नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर निगम प्रांगण में स्थित कर्मचारियों के मसीहा अमर शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी की प्रतिमा के पास नव मनोनीत क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अनिल त्रिपाठी का कर्मचारी यूनियन नगर निगम केडीए जल संस्थान के नेताओं द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक श्रम प्रकोष्ठ भूपेश अवस्थी ने एवं अनिल ने सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया। उसके बाद मजदूर मसीहा अमर शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी जो अनिल त्रिपाठी के पिता हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कर्मचारियों को हर समय सहयोग का संकल्प लिया। उनकी किसी भी समस्या में कोई दिक्कत ना आए, उनके हित का कार्य हो, कर्मचारियों का सम्मान बढ़े, इसके लिए भूपेश अवस्थी ने एवं अनिल त्रिपाठी ने हर समय साथ देने का संकल्प लिया। भूपेश अवस्थी, अनिल त्रिपाठी और कर्मचारी यूनियन नव मनोनीत प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा का भी फूल माला से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन कमरुद्दीन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में थर्मेश मिश्रा, मुन्ना हजारिया, दुर्गा शंकर मिश्रा एवं भाजपा से अखिलेश अवस्थी, राजेश श्रीवास्तव आदि भारी संख्या में कर्मचारी लोगों ने भाग लिया। सर्वेश त्रिपाठी, बलवीर दीक्षित, राजेश वाजपेयी, विनोद दीक्षित, सुशील त्रिपाठी, सरदार एचपी लांबा, लाला तिवारी, सनी सोनकर, आलोक तिवारी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सारे यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उन सबको अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि श्रमिकों की जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जाएगा। ये हमारा पहला एजेंडा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी बराबर काम कर रही है और आगे भी करेगी। अनिल जी, आपको जो पद सौंपा गया है, ये श्रमिकों की आवाज़ किस तरह से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और किस तरह से अपने पद का निर्वहन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के एक तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा परिषद अध्यक्ष जी को, सदन जी को, क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र मालवीय जी को और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने प्रदेश संयोजक या अध्यक्ष का जो दायित्व है, एक कर्मचारी नेता जो उन्होंने पूरे जीवन कर्मचारियों के लिए संघर्ष किया, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से किया, ऐसे हमारे बड़े भाई मुकेश अवस्थी जी को दिया। हमको ये जिम्मेदारी जो संगठन में लगातार 27 वर्षों से मैंने सेवा की है उसको देखते मुझे जिम्मेदारी दी गई है। आज उसी कड़ी में मैंने सबसे पहले हमारे पिताजी जो उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के बड़े नेताओं में थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था कर्मचारियों के मजदूरों के हितों के लिए, आज मैं उनके चरणों में बैठकर उनको नमन करने के लिए कि मैं सबसे पहले उनको माला पहनाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा और ईमानदारी के साथ जिस तरह ईमानदारी की मूर्ति वो थे उसी तरह ईमानदारी के साथ हम कर्मचारियों के लिए मजदूरों के लिए संघर्ष करूंगा और कहीं भी मेरा एक कदम इसमें पीछे नहीं हटेगा। ये पद रहे या ना रहे मुझे इसकी कतई परवाह नहीं है, लेकिन कर्मचारी को सम्मान के लिए अनिल त्रिपाठी बराबर आगे रहे। अनिल त्रिपाठी जिंदाबाद।